हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्प बुलियन कमांड का यूज आपको बताएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो मैंने एक पीआर सेव लिया, मुझे सिर्फ आउटर 2D लेना है, इसलिए मैंने लिया, ठीक है। मुझे सिर्फ 2D का ज़रूरत है, ठीक है। एक पीआर लिया, इसको मैं एरे पुलर कर रहा हूँ, 8 नहीं ज़्यादा देता हूँ क्वांटिटी, ताकि एक दूसरे से टच रहे, ठीक है। अभी इसको हमें कार्प बुलियन कमांड यूज करना है, तो कहीं इसका आउटर लेना है समझो, या तो इनर इनर पट लेना है। तो कैसे लेंगे, तो इसके लिए आपके कार्प बुलियन कमांड यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कमांड लिया, डिलीट में येस कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीट ऑल कर रहा हूँ। तो यानी मुझे सिर्फ आउटर पार्ट ज़रूरत होगा, तो आउटर पार्ट रहेगा, बाकी पार्ट मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने आउटर में क्लिक किया बाहर, इसलिए सिर्फ आउटर पार्ट इसका रह गया। मैं फिर से, अगर मुझे इनर रखना है तो कैसे करेंगे, फिर से कार्प बुलियन कमांड ले रहा हूँ, ठीक है। अभी इनर साइड में मैं सिलेक्ट करूँगा, इसके कॉपी करके पहले रख देता हूँ, फिर से करता हूँ, डिलीट, मेरा डिलीट इनपुट ऑल करके रखा है मैंने, ठीक है। तो इनर साइड में भी क्लिक किया, तो सिर्फ देखो इनर पड़ रह गया, इनर का जो 2D है। अगर आउटर में क्लिक करोगे तो आउटर का 2D रहेगा, इनर में क्लिक करोगे तो इनर का 2D रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कार्प आपका गैलरी बनाने में, कोई भी पेंडेंट या इयररिंग वगैरह बना रहे हो, आपको गैलरी बनाने में बहुत काम आएगा, ठीक है। अब एक पार्ट में ट्रिम करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैंने ट्रिम कर लिया। अभी इसको कार्प बुलियन कमांड लेता हूँ, डिलीट इनपुट ये से, तो आउटर आ गया, ठीक है। अगर मैं डिलीट इनपुट ऑफ करता हूँ तो क्या होता है, वो भी एक बार दिखा देता हूँ। डिलीट इनपुट नॉन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब भी आप क्लिक करोगे वो आउटर बॉर्डर तो आएगा, वो सिलेक्ट होके रहते हैं, उसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक करके बाकी का पार्ट डिलीट कर देना है, ठीक है। तो मैं दूसरा भी एक ऑप्शन और एक दिखा देता हूँ, ठीक है। समझो, मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, सेंटर में नहीं रख रहा हूँ, साइड में रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं एरे पोलर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे पेयर में किया था ऐसे ही किया, सिर्फ क्या उसका एंड एक दूसरे से टच होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने इसको ट्रिम कर लिया, अभी मुझे हर कॉर्नर मुझे राउंड डिस करना है। आप फिलेट कर्व से भी कर सकते हो, मैं सिर्फ कार्प बुलियन का कमांड यूज दिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ले लिया, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे मैं राउंडेस करने के लिए टेंजेंट ले लेता हूँ, और मैं सब सिलेक्ट करूँगा, करके ट्रिम करूँगा, ठीक है। मुझे पूरा ट्रिम करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें देखो कि एक्स्ट्रा पार्ट भी है जो मैं ट्रिम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे जितना ज़रूरत है उतना ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है। और दो चार हैं, ठीक है। इसमें कोई कार्ब आपका ओवरलैप भी है, एक के ऊपर एक है, तो अभी मैं कार्ब बुलियन कमांड यूज कर रहा हूँ। अगर कोई भी कार्ब आपका ओवरलैप वगैरह भी रहेगा, सिर्फ क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तो ये कमांड यूज होगा। तो ये मेरा आउटर आ गया, इसको मैंने लॉक कर देता हूँ, करके मैं ये बाकी पार्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कार्ब बुलियन कमांड का यूज, ये आपको गैलरी बनाने में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है मैट्रिक्स के लिए।